सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनो। अच्छा बताओ कि कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा, जो कम करंट पर ज्यादा डिफ्लेक्शन दे या जो ज्यादा करंट पे कम डिफ्लेक्शन दे, सोचो आराम से। सेंसिटिव हम लोग बोलते हैं, तुम्हारा मान लो कोई दो दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त को तुमने जाके कुछ बुरा भला बोल दिया सुबह सुबह, रोज ही बोलते हो ना तुम, तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, तुम सुबह सुबह जाके अपने दोस्त को कुछ तुमने प्यार वाले शब्द बोल दिए, ठीक है, दो दोस्त है, एक को बोला वो रोने लग गया, एक को बोला वो हंस रहा है, तुमको पलट के पीट दिया जो भी है, ठीक है, तो इन दोनों में से सेंसिटिव कौन है, जो रो दिया, यानी जो ज्यादा रिएक्ट कर जाए उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव, है ना, थोड़ी सी बात का जो बतंगड़ बना, तुम बहुत सेंसिटिव हो यार, है ना, छोटी बात पे तुम सेंसिटिव, तुम्हें ही तो खा गया, हमें तुम्हें जेब से 5,000 रुपये तो चुरा लिया, तुम्हें बैग ही तो गायब कर दिया स्कूल का, तुम्हारा नाम ही तो कटवा दिया स्कूल से इतने में यार तुम सेंसिटिव हो गया, है ना। तो सेंसिटिविटी एकदम सिंपल रियल लाइफ से रिलेट करो, जो थोड़ी बात का बतंगड़ बना दे, लिखो आज हिंदी में पढ़ा रहे हैं हम, बात का बतंगड़ बनाना गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिव होना हिंदी के मुहावरे, थोड़ी बात का बतंगड़ बना दे, मैंने कहा मतलब जो इन अ वेरी स्मॉल करंट, इन अ वेरी स्मॉल करंट, छोटे से करंट करंट हो गया डिफ्लेक्ट हो गया, शोज लार्ज डिफ्लेक्शन, ऐसे इसको याद रखना हमेशा याद रहेगा, छोटे से करंट पे बड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा दे, ठीक है। तो दो तरह की सेंसिटिविटी पढ़नी है, पहली वाली देखो करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है फाई बराबर आई, देखो थोड़ा सा करंट सेंसिटिविटी ज्यादा, ज्यादा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ज्यादा, सेंसिटिविटी यही तो है कि थोड़ी सी बात पे बड़ा बतंगड़ तो करंट छोटा सा सेंसिटिविटी ज्यादा, फाई ज्यादा सेंसिटिविटी ज्यादा, बच्चे एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आई बाई फाई है कि फाई बाई आई है, तो फाई बाई ऐसे याद रखना कि जितने छोटे करंट पे जितना बड़ा डिफ्लेक्शन दे उतना ज्यादा सेंसिटिविटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, याद करो टॉर्क अप्लाइड एन आई ए बी इज इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग, और कुछ याद नहीं करना, टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग, यहाँ से आई इज इक्वल टू सी अपॉन, सॉरी हमें क्या चाहिए, फाइव बाई आई इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी। अब आप चाहोगे आपका जो गैल्वेनोमीटर है बहुत सेंसिटिव हो तो टू इंक्रीज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, एरिया ऑफ कॉइल्स को बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बढ़ा जाते हैं, थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का तरीका क्या था, रेडियल फील्ड, सिलिंड्रिकल पोल्स मैग्नेट ले लिए, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया ऑफ कॉइल, या चौथा सी को घटा दो, सी कम करने पे भी सेंसिटिविटी पर कैसे याद रखोगे, फाइव बाई आई और फॉर्मूला वहां से निकाल लेंगे। अब सी कम करने का तरीका क्या है, यूज फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज वायर, इसको यूज कर लो, इनका टॉर्जनल कांस्टेंट बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो ये याद रखना, अभी मेरा कल कराएंगे करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह से बच्चों एक वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होता है, पहले इसको नोट करें फिर बताएं, करंट सेंसिटिविटी छाप लिया, अच्छा ये में डाल लें। अब देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो हम क्या करते हैं थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं, बोला ना अगले लेक्चर दिखाएंगे कैसे इसको वोल्टमीटर या एमीटर बनाते हैं, एनीवेज वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज जब मेजर करोगे तो वोल्टेज कितना होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी इज इक्वल टू आई कितना आ रहा था हमारा, यहाँ से आई देखो कितना आएगा, सी फाई अपॉन एन ए बी, ये तो आएगा सी फाई अपॉन एन ए बी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा कि छोटे से वोल्टेज पे बड़ा डिफ्लेक्शन हो, यानी फाई बाई वी। देखो गैल्वेनोमीटर के दो पर्पस होते हैं, इट मेजर्स करंट बेसिकली, और उसका मॉडिफिकेशन कर दो तो बड़े बड़े करंट मेजर करता है, जिसको एमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर छोटे करंट मेजर करता है, इसका मॉडिफिकेशन कर दो तो एमीटर बन जाता है बड़े बड़े करंट, तो हमने बोला करंट सेंसिटिविटी। और कुछ मॉडिफिकेशन से ये वोल्टेज भी मेजर करता है जब वोल्ट मीटर बनता है, अगला लेक्चर इसी पे है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, या एमीटर वाला काम हुआ एंड वोल्ट मीटर, तो जब वोल्टेज मेजर करेगा तो वी इज इक्वल टू आई आर, आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, अरे भाई कॉइल क्या है, वायर तो लपेटे हो, वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, तो वी इज इक्वल टू आई, आई की जगह मैंने रखा सी फाई अपॉन एन ए बी। वोल्टेज की सेंसिटिविटी क्या है, कितने कम वोल्टेज पे कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, फाई बाई वी, तो यहाँ से फाई बाई वी का फॉर्मूला हो जाएगा एन ए बी, सॉरी यहाँ पे आर लगेगा, वी इज इक्वल टू आई आर, हाँ फाई बाई वी का फॉर्मूला होगा एन ए बी बाई सी आर, ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये करंट सेंसिटिविटी कुछ डिफरेंस है दोनों में, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का ऊपर सबसे में V इक्वल टू IR, तो पूरा I का टर्म है साथ में R, नहीं समझे, गैल्वेनोमीटर को कुछ चेंजेस करके हम एमीटर बनाते हैं, कुछ चेंजेस करके वोल्टमीटर, एमीटर से करंट मेजर किया तो करंट सेंसिटिविटी बताया, वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे V क्या होता है IR, R क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, फिर हमने कहा I की वैल्यू रखो तो I की वैल्यू यहां से C फाई अपॉन N भी, हमने कहा वोल्टेज की सेंसिटिविटी क्या है कि थोड़े से वोल्टेज पे बड़ा डिफ्लेक्शन दे, वोल्टेज मेजर करना है कि थोड़ा से वोल्टेज पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, ठीक है, तो फाई बाई V, तो फाई बाई V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NAB बाई CR। अब हम कहें वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या क्या कर सकते हो, सेम कहानी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दो, सी घटा दो, और एक ऑप्शन और है कि रेजिस्टेंस घटा दो, जो कि यहाँ पे नहीं है, नोट करें पहले इतना, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का डिफरेंस पे बढ़िया मैथड सेट हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका जे लेवल में आने वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुए, टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी इंक्रीज, एरिया ऑफ कॉइल कैन बी इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, एंड टॉर्जनल कांस्टेंट इज डिक्रीज एंड रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, ऐसा वायर ले लो जिसका रेजिस्टेंस कम, है ना, मोटे मोटे वायर ले लो, मोटे वायर का डिस्टेंस कम होता है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा मोटा वायर पतला वायर, डोंट केयर, मिटा रहे
बहुत सारे नोट करें, 1, 2, 3, 4, 5 ओके। अब देखो, अब एक लाइन किताब में लिखी होती है, वो लिख रहे हैं। वी मे इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी एंड स्टिल वोल्टेज सेंसिटिविटी डू नॉट इंक्रीज। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा हमेशा, बट ऐसा भी हो सकता है कि हम करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ाएं फिर भी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज ना करें। कैसे? मान लो कैसे कैसे होगा ये देखो, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई एकदम एक्जैक्टली, ये लाइन, वी मे इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बट वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज। कैसे? सपोज हमने नंबर ऑफ टर्न्स को एन से टू एन कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। बोलो सही बोल रहे, नंबर ऑफ टर्न्स एन से टू एन की करंट सेंसिटिविटी सीधा डबल। बट जब नंबर ऑफ टर्न्स एन से टू एन करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो वायर बढ़ा, वायर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए तो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी तो आर से टू आर हो जाएगा। मैं एकदम सिंपल सा फॉर्मूला समझें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, होता है ना भाई, नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो डबल लेंथ इस्तेमाल होगी, पहले दो टर्न थे अब चार टर्न है तो लेंथ ऑफ वायर डबल हो गई, लेंथ ऑफ वायर डबल हो गई तो रेजिस्टेंस डबल। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में क्या कहना है आपका बताओ? नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल हुए, रेजिस्टेंस भी डबल हुआ, टू आर टू कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न टू एन, रेडियस लेके टू आर, रेजिस्टेंस लेके टू आर, टू आर टू कैंसिल, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेंस सेम। तो यही बात एनसीईआरटी में समझाई कि हो सकता हो हम करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ा ले नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, सबसे अच्छा तरीका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना ही होता है, सबसे सेफ तरीका। एरिया बढ़ाओगे तो साइज बढ़ जाएगा, देखो है ना, इंस्ट्रूमेंट का साइज बढ़ा होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए और करंट देना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करंट सेंसिटिविटी डबल कर लो, पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते ही ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा इस्तेमाल हुआ, रेजिस्टेंस डबल होने से ये 2R ये 2N कैंसिल, वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेंस सेम। समझ गए बात? नोट कर ली,